अरे चूक से एक 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 लफ्ज निकल चुके चूक से, इसलिए भाई कली पत्रकार कह रहे थे कि भाई ये एक बार चूक हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर कांग्रेस की फजीहत कराने वाले लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी की पहले भी कई दफा जुबान फिसल चुकी है। इस बार राष्ट्रपति को लेकर दिए गए उनके बयान को लेकर सत्ता पक्ष के सांसदों को एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लेने का एक मुद्दा बैठे बैठाए मिला। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने भारी हंगामे के बाद राष्ट्रपति से अपने बयान को लेकर लिखित तौर पर माफी भी मांग ली। बहरहाल ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अधीर रंजन ऐसा करते हुए दिखाई दिए हों या उनकी जुबान फिसली हो। इससे पहले भी कई दफा वो बयान देकर विवाद पैदा कर चुके हैं। 370 हटाए जाने के बाद सरकार ने जब विदेश से आती प्रतिक्रियाओं पर कहा था कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, इस पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि आंतरिक मामला कैसे हो सकता है, यूएन इसको मॉनिटर करता है। तब सोनिया गांधी ने भी राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि अधीर क्या कह रहे हैं। ऐसे ही एक बार अधीर रंजन ने यूरोपियन पार्लियामेंट के सदस्य जो कश्मीर की स्थिति को 370 हटने के बाद देखने के लिए आए हुए थे उन्हें किराए का टट्टू बता डाला। ऐसे ही इन्होंने एनआरसी पर बात करते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बाहरी बता दिया, तो वहीं एक दफा पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी भी कर दी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अधीर रंजन हमेशा सरकार पर हमला करने की कोशिश में खुद की किरकिरी करा बैठे हों। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को भी एसी रूम में बैठकर इंटरव्यू देने वाला नेता बता दिया था। तो वहीं आपको बता दें कि एक ऐसा वक्त भी आया था जब अधीर रंजन चौधरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने निशाने पर ले लिया था। बात है 7 फरवरी 2022 की, लोकसभा चल रही थी, प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों के जवाब दे रहे थे कि इसके बाद विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी अपनी सीट से विरोध जताते हुए बार बार खड़े होने लगे। इस पर मोदी ने चुटकी ली, कहा अध्यक्ष महोदय हर एक को अपना सीआर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, मैं मानता हूं कि आपने जितना किया है उससे आपका सीआर मजबूत हो गया होगा, जिन लोगों को रजिस्टर करना है आपके इस पराक्रम को कर लिया है, ज्यादा क्यों कर रहे हो। मोदी ने चुटकी लेते हुए आगे कहा कि इस सत्र में कोई आपको नहीं निकालेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। मोदी की इस बात पर पक्ष और विपक्ष दोनों हंस पड़े। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम जनता से चुनकर आए हैं। इस पर मोदी ने एक बार फिर चुटकी लेते हुए कहा कि ठीक है, इस जगह से निकलने की बात हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको हर एक को अपना सीआर सुधारने की कोशिश तो करनी चाहिए, और मैं मानता हूं जितना किया है उसे आपका सीआर ठीक हो गया है। जिन लोगों को रजिस्टर करना है आपके इस पराक्रम को कर लिया है जी, ज्यादा क्यों कर रहे हो। इस सत्र में तो कोई आपको नहीं निकालेगा, विश्वास करो। इस सत्र में आपको कोई निकालने का नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, इस जगह से। अरे भाई ऐसे ही बच गए हो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा था कि मुझे कभी कभी उनके बयानों, विचारों और करतूतों से विचार आता है कि जिस प्रकार आप मुद्दों को जोड़ते हैं कि आपने मन बना लिया है कि 100 सालों तक सत्ता में नहीं आना है, थोड़ी सी भी आशा होती तो आप ऐसा नहीं करते। जब आपने तय ही कर लिया है तो मैंने भी तैयारी कर ली है। ये सदन इस बात का साक्षी है कि कोरोना वैश्विक महामारी में जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई उससे निपटने भारत ने जो भी रणनीति बनाई उसको लेकर पहले दिन से क्या क्या नहीं कहा गया आज वो देखेंगे तो उन्हें खुद हैरानी होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना, अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।